ये देखिए, ये है सैमसंग A11। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये इस तरह से लोगो पे अटका हुआ है। इसे फॉर्मेट किया था बाद में, ये लोगो पे अटका हुआ है, इसके आगे नहीं जा रहा। तो हम इसको अब फ्लैश करना दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये रही वो वेबसाइट जिसको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया इसका। यहाँ से आपको ये आई एम नॉट अ रोबो क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग देगा आपको। टाइमिंग ख़त्म होने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसके बाद मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, मैं दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद डाउनलोड करने के बाद तो नहीं, मैंने यहाँ IDM से डाउनलोड किया था। ये रही वो फाइल, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये रही वो फाइल, और इसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, तो जैसे कि इसे मैंने एक दूसरे जगह फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट फाइल। तो मैं वो फाइल दिखा देता हूँ अभी आपको, यहाँ मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो वो फाइल है यहाँ पे, इस फोल्डर में है। और वो फाइल मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये वो फाइल है सैमसंग A11 की। ठीक है, तो ये सभी फाइल यहाँ पे चार फाइल आ जाती है, पांच फाइल आती है, लेकिन इसमें से चार को ही सिलेक्ट करना रहता है। तो मैं चलिए आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ओडिन खोलना होगा, ओडिन OP आपको 3.1.4.4 का ये ओडिन आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर इससे डाउन वर्जन कर लेंगे तो आप इसे फ्लैश नहीं कर पाएंगे। फिर आपको ये 3.1.4 का ओडिन ओपन करके इसे ओपन कर लेंगे। और ये रहा, तो ये अभी ओडिन आपका ओपन हो रहा है। सबसे पहले ये आएगा, प्री श्योर द डिटेक्ट योर गूगल अकाउंट सैमसंग अकाउंट। मतलब आपका गूगल अकाउंट अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो वो गूगल अकाउंट के लिए लॉक हो जाएगा, वो आपको श्योर करता है। तो ओके कर दो इसे। फिर सबसे पहले आपको बूट लोडर की फ़ाइल लेनी होगी। तो ये मैं फोल्डर में आ गया, ये रहा वो फाइल का A115F। ठीक है, ये लास्ट के जो स्पेलिंग है इसे बराबर से देखना होता है। ठीक है, तो पहले BL लेंगे फाइल, BL ले लिया मैंने। इसके बाद CP लेता हूँ मैं, CP। अब CSC, ये रहा CSC। ठीक है, अभी तक लोड नहीं हुआ है, ये लोड हो गया। अब AP लेंगे, AP को कम से कम लेने के लिए ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा MB का होता है, इसलिए ये तकरीबन 1 मिनट तक ले लेता है समय। तो ये अभी प्लीज़ वेट, ये अभी लोडिंग के लिए रुका हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेंगे। आप थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो आप देख सकते हैं ये AP फाइल भी लोड हो चुकी है। ठीक है, फिनिश सक्सेसफुल लेवल CS। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे इस फोन को PC से पहले USB लगा दिया मैंने। USB लगाते ही यहाँ पे आपको शो करेगा ब्लू कलर में। ठीक है, तो पहले हम इसे डाउनलोड मोड में डाल लेते हैं। डाउनलोड मोड में डालने का प्रोसीजर है, पहले मैं इस फ़ोन को ऑफ कर लेता हूँ। ये मैंने ऑफ कर लिया, तो ये फ़ोन हो गया ऑन। तो अब आपको क्या करना होगा,
देखिए ये फिर से इसी मोड में आ गया, तो मैं इसे फिर से ऑफ करूँगा यूएसबी निकाल के। ये हो गया ऑफ। तो दोनों वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों दबा के यूएसबी लगाएंगे। ये आ गया डाउनलोड मोड में। फिर ओके ऊपर का वॉल्यूम बटन दबा के प्लस का ओके करना होगा। चलिए अब कंप्यूटर पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ब्लू शो होने लगा, कॉम पोर्ट 9 में ये डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, अब हम इसे दबाएंगे स्टार्ट पे। और ये फ्लैशिंग चालू हो गई है। जैसे जैसे ओडिन का ग्रीन लाइन बढ़ते जा रहा है, उसी तरह से फोन में भी ये लोड फाइल जो लोड हो रही है वो आगे बढ़ते जा रही है। ओह सॉरी, मैंने केबल हिला दिया इसलिए फिर से स्टॉप हो गया है। अब हम इसे फिर से स्टार्ट करना होगा। तो इस सिचुएशन में आप फ़ोन को ऑफ कैसे करेंगे? पावर बटन और माइनस वॉल्यूम का बटन दबा के रखेंगे तो ये फ़ोन फिर से ऑफ हो जाएगा। फिर तुरंत आपको प्लस माइनस बटन वॉल्यूम का दबाना होगा, फिर ये डाउनलोड मोड में आ जाएगा और ये ऊपर दबा के कंटिन्यू करो। तो फिर से यहाँ पे आ गया, अब हम इसे फिर से स्टार्ट कर देंगे। ये वाला अब तो देखिए वो तुम्हारी शिक्षा मत करना।
डिस्प्ले मिलेगा वो मिल रहा ही नहीं है डिस्प्ले। अपना बुक में भी लिख दे, अपना भी बुक में भी लिख दे ये हाँ, वो अगर शाम को पैसा वैसा देगा तो वो दे देगा ना। पैसा देगा तो उधर लेके और ये आपका फ्लैशिंग हो गया पूरा।